guys, this is my Nanima, my grandmother. That's my mom. This is me. I wanted to take a spin on the ever so popular routine videos on YouTube. So today I'm comparing my grandmother's then morning routine with my now morning routine. Let's see how this goes. अब क्या करते थे पूरे दिन में कैसे स्टार्ट होता था आपका दिन मेरा दिन 4 बजे उठना मिट्टी डालना तैयार हो गई पानी गर्म करना नहाना नहाने के बाद फिर सब्जी वगैरह तैयार करना तब तक पानी गर्म करना इतने सारे बच्चे फिर कितने थे आप लोग चाय नहीं पीनी चाय नहीं चाय काम उठे थे अच्छा तो आप उठे हो आपने उठे अंगीठी जलाई ये सब किया आपने कुछ नहीं किया अभी अभी कुछ नहीं किया अच्छा जला फिर नहाना ना फिर नहाने आलू वगैरह उबाल ले ली आलू वगैरह उबाल ले लिए कुछ डाल दिया अपने नहाने के लिए नहाए नहा करके ठीक काम लग कर मतलब पाठ पवन दे दिए थोड़ी बहुत करनी पराठा बनाना पराठे में खा के जाते हैं लेके जाते हैं सब्जी दाल सब्जी बनाने के लिए छोटा छोटा तो नीचे अच्छा अच्छा सब्जी लेने जाना अच्छा वो कहाँ से लेते थे आप चांदनी चौक पे चांदनी चौक में जाते थे महादेव में दरीबे में वहाँ लगता सब्जी अच्छा दरीबा कला सब्जी मंडी लगती थी वहाँ प्रॉपर गैस तो ठीक नहीं कि अभी क्यों दाल वगैरह चढ़ा दें अच्छा चले गैस कहाँ से चले ये ठीक है कुकर भी नहीं थे ना कुकर भी नहीं थे तो चावल कैसे बनते थे कुकर पतीले थे पतीले होते थे तो फिर पता कैसे चलेगा कि अभी तो सीटी मारता है ना नहीं वो कहाँ कड़छी चला के टाइम तो देखते थे आधा घंटा हुआ 20 मिनट हुए 25 मिनट हुए अब देखो चला के नहीं हुए तो फिर चढ़ा दिया फिर बनवा दिया तो कितनी देर लगती थी बनने में वो बड़ी देर लगती थी और अब कितनी देर लगती है चावल बनने में अब तो क्या देर लगती है 5 मिनट भी नहीं लगते अच्छे अच्छे काम थे सारा दिन छोटे होने का फायदा और वो कैसे होता झाड़ू पोछे कपड़ा वगैरह कैसे होता क्योंकि मशीन तो होती नहीं थी मशीन का फिर आप से तो थे भी बात ना वो भी करना है सिलाई भी खुद स्वेटर बुन ली प्यार करना अच्छा प्यार करिए कल ये काम करना दोपहर को ऐसे काम थे रोज पूरा दिन सिर्फ काम ही पूरा दिन ना ये हाथ से पूरा दिन अभी सुबह नहीं बताया किसी को कोई हॉबी है कुछ अपना अच्छा काम करना है कुछ तो कब करती थी मम्मा I'm not going anywhere today. Okay, I need time for myself, for my hobbies also. I made a YouTube video, so I'm not going to my cousin's place today. Okay? ठीक है, okay. वही time निकालते, hobby ज़रूरत होती थी उस समय. जो ज़रूरत है वो hobby होती है. हाँ. जैसे सिलाई करना, बुनाई करना, बुनाई करनी, सर्टरी बुननी. सिर्फ हमारे यहाँ पर बर्तन धोने के लिए नौकरानी थी. बाकी काम नहीं की करते थे और पहले कोई भी नहीं कराता था कोई नहीं कराता था अपने आप करते थे सब बड़े बड़े घरों में बर्तन करवा देते थे बाकी सारा काम सब मैं करती थी खुद के टाइम में तो अभी आपको लगता है हाँ मैं मस्त अपने हिसाब से काम करें आपको अच्छा लगता है हिसाब से काम होता है मेरा सारी उम्र नहीं हुआ अब अब लगता है आपकी मैं टीवी देख रही हूँ कहीं मेरी शादियाँ भी हो गई इतनी हो गई ना मैं धीरे धीरे काम भी कम हो गया तो आपको लगता है ऐसे कि अच्छा उस वक्त आपको कोई टाइम मिलता तो आप क्या करते
अगर आपके पास खाली टाइम होता तो आप क्या करते ऐसा क्या क्या करते हैं अब होता ही कुछ नहीं नहीं अगर उस समय टाइम मिलता तो आप क्या करते उस वक्त कैसे मिलता चार दिन का काम बाद में आज करने आ जाओ फ्री है ना या अभी करके मुटा दें पता नहीं उस दिन तक क्या होगा तो कोई काम अगर नहीं भी करना होता तो आप फिर भी काम कर लेना ये काम तो है हमारी So, whoa, that was some video, huh? I don't know what I wanted to do with this video, but whatever it did, I hope it inspires you to go talk to your grandparents, talk about what their day used to be like, learn a little about what they know, because they know so much more than we do, of course. So, I hope you guys go ahead and have a chit-chat with your grandparents, and if you do, make sure to send me a picture with your grandparents on Instagram or Snapchat and I would love to check it out, compile a collage of it and maybe put it in some video. This was my video. I hope you all enjoyed it. Make sure to thumbs it up if you thought this was a cool new concept and I'll see you in my next video. Bye-bye till then.